तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप आज मैं आपको बताऊँगा कि जो कीवर्ड्स है ना, बहुत सारे कीवर्ड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा अच्छा कीवर्ड्स बताने वाला हूँ, इंडिया का या यूके का, जो यूएसए का कीवर्ड भी बताने वाला हूँ, कनाडा का भी बताने वाला हूँ। दो तीन कीवर्ड्स जो है वो अच्छा खासा कीवर्ड्स मैं आपको आज यहाँ पर डिक्लेयर करने वाला हूँ, और अच्छा खासा कीवर्ड मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो कीवर्ड्स जो मैं बताऊंगा ना, वो एक इतना बहुत अच्छा कीवर्ड होगा और प्रॉफिटेबल होगा। तो दोस्तों कीवर्ड्स बताने से पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो आज का हमारा पहला कीवर्ड है दोस्तों, वो आप यहाँ पे पहला कीवर्ड से हमारा जो है, एक मिनट दोस्तों सर्च हो रही है। हाँ तो दोस्तों एक कीवर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा आपको कि कैसे रैंक करना है आपको, ठीक है। एक कीवर्ड जो यहाँ पर डिफ़िकल्ट है थोड़ा, लेकिन रैंक करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हो अमरीश पुरी, ठीक है। एक कीवर्ड जो अमरीश पुरी फिल्म डायलॉग में फिल्म एक्टर थे जो, वो तो बहुत पहले यहाँ पे उनका मौत हो चुका है, बट उनका फिल्म के दीवाने आज भी हैं हम लोग, और अच्छे खासे उनका फिल्म अभी भी चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनका जो ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है यहाँ पर देख सकते हो 1.3 मिलियन का, और यहाँ पे सर्च इंडिया का सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं इतना, सीपीसी देख सकते हैं और क्लिक देख सकते हैं। बाकी ये दो फीचर्स न्यू आए हुए हैं यहाँ पे एचडीएफ में, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इसमें और एक ए आर आर एस सी पी एस, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेल्पिंग कीवर्ड कितने सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हेल्पिंग कीवर्ड्स की ओर चलते हैं एक बार, हेल्पिंग कीवर्ड्स की ओर एक बार चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें, जो कि कौन कौन सी हेल्पिंग कीवर्ड्स हमारी यहाँ पे आती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग सर्च कर रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे कीवर्ड्स, जो यहाँ टोटल जो कीवर्ड्स हमारा इंडिया का है वो 878 कीवर्ड यहाँ पे लोग सर्च करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमरीश पुरी, अमरीश पुरी सन, अमरीश पुरी डेट, अमरीश पुरी मूवी, यहाँ पे देख सकते हैं सीपीसी देख सकते हैं इस कीवर्ड का अमरीश पुरी डेट पे $1.1 का है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड्स है यहाँ पे। और इनका सर्च जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ही अच्छा खासा है दोस्तों, आप देख रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर लैंग्वेज में इशू आता होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं उतना प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाता हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेम कीवर्ड्स यही है, बट या इनका जो सेम कीवर्ड्स जो यही बताने वाला हूँ अभी आपको, एक मिनट दोस्तों सर्च होने दीजिए। तो यहाँ पे यह यूनाइटेड यूके का कीवर्ड है, यूनाइटेड किंगडम का। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 370 के का वॉल्यूम है, और सीपीसी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे देखने को आपको मिलती है, ठीक है, सेम कीवर्ड्स है। बट यहाँ पे देख सकते हैं 48 के का क्लिक है, और सी पी एस इतना है, और 1 RR इतना इतना है आपको, ठीक है। बट ये कीवर्ड्स है ना यूके में है, और ये कीवर्ड थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं रैंक कर सकते हो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीका से रैंक कर सकते हो, जो कि एक एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी यह बन सकता है कीवर्ड आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ भी व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, इनका बारे में भी आपको मैं यहाँ पे पूरा डिस्कशन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कितने सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह से यही कीवर्ड्स मैं आपको कनाडा के लिए बताऊँगा, तो मैं यहाँ पे सभी को सर्च करके रख देता हूँ सभी कीवर्ड को। तो दोस्तों अमरीश पुरी ये देखिए कनाडा का कीवर्ड है, और यहाँ पे 175 के, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ ध्यान में रखना थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ी हाई डिफिकल्टी वाली यहाँ पे मिलेगी, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा ये सब जो कीवर्ड्स है ना आपको जरूर से रैंक करेगी। एक कीवर्ड पे अगर हाई ट्रैफिक हाई लेगी दोस्तों, रैंक करेगी 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना में रैंक करेगी, बट करेगी तो जरूर रैंक आपकी वेबसाइट, ठीक है, आपकी वेबसाइट जरूर रैंक करेगी, ठीक है दोस्तों, ठीक। उसके बाद यहाँ पे व्यूअल पे क्लिक कर लेते हैं, और उस पर भी देख लेते हैं कि इनका क्या फंडा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों इनका थोड़ा यहाँ पे लो है, बट एक कीवर्ड बहुत अच्छा है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कीवर्ड हमारा है ना, वह है MHRD, जो कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए कीवर्ड है,
और ये देख सकते हैं 87 के का क्लिक है। सीपीसी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मीडियम है, बिल्कुल रैंक करवा सकते हैं इस कीवर्ड को आप लोग। और यहाँ पे देखो आप लोग, जो इनका जो ग्राफ है ना, एक नंबर है। बाकी यहाँ पे सीपीसी का बात बहुत ही अच्छा सीपीसी है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग, जो यहाँ पे ये सब सारे जो कीवर्ड्स है ना, है सेम कीवर्ड्स है, मैचेज कीवर्ड्स है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप आसानी से रैंक करा सकते हो, देख सकते हो आप लोगों को रैंक करवाने में अच्छा खासा ट्रैफिक भी इनको मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस कीवर्ड पे, ठीक है। तो आपको इस कीवर्ड पे बिल्कुल वर्क करना चाहिए। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ व्यू ऑल करके कि और इसमें क्या क्या खासियत है, आपको क्या क्या और देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखते रहो वीडियो को, पूरे अंत तक देखते रहिए, ठीक है। वीडियो का लास्ट में कुछ ना कुछ टिप्स शेयर करते रहता हूँ दोस्तों, तो आपके लिए भी ज़रूर करूँगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा तो यहाँ पे हार्ड है, बट दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग बैकलिंक वगैरह बनाते हैं, अच्छी तरीके से बैकलिंक बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसा ऐसा कीवर्ड पर रैंक नहीं कर पाओगे, बिल्कुल रैंक फर्क कर पाओगे इस कीवर्ड को, ऐसी कीवर्ड पे। ऐसे ऐसा नहीं है कि इस सब कीवर्ड पे आप वर्क नहीं कर सकते, आप वर्क करोगे ना दोस्तों तो बिल्कुल आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगी, बिल्कुल आपको यहाँ पे आसानी से रैंक करोगे ये सब कीवर्ड पे। आपके लिए ये सब कीवर्ड बहुत ही फायदेमंद होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक कीवर्ड समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कीवर्ड हमारा होने वाली है ना, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं भामाशाह कार, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 16K का सर्च वॉल्यूम है, सीपीसी देख सकते हैं कितनी अच्छी नहीं मिल रही, बट दोस्तों एटलीस्ट तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आ रही है ना, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी। अगर 16K का ट्रैफिक आ जाता है, यहाँ पे 1000 भी ट्रैफिक आ जाता है, उसमें इंटरनल लिंकिंग करते हैं 200, यानी इंटरनल लिंकिंग करते हैं। इंटरनल लिंकिंग करने के बाद एक बंदा अगर तीन पे तीन मान लीजिए दो ही आर्टिकल और उस पे करता है, तो आपका पेज व्यू कितना हो जाएंगे, एक के जगह 3000 हो जाएंगे। तो 3000 दोस्तों आपका वहाँ पे कम पेज व्यू नहीं, आप 3000 में करीब $15 से $20 निकाल सकते हो एक दिन का, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा ऐसा अगर छोटा छोटा कीवर्ड पर अगर वर्क करते हैं आप लोग, तो आपको आसानी से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेल्पिंग कीवर्ड से, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो डीए वाली वेबसाइट रैंक है, तो यहाँ पे ट्रैफिक भी ले रही है, 8 वाली रैंक है। यहाँ पे हिंदी योजना .in यहाँ पे 8 वाली रैंक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप लोग अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैफिक ले रही है, यहाँ पे अच्छा खासा आपको यहाँ पे ट्रैफिक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को वर्क करना चाहिए, आसानी से वर्क करना चाहिए आपको ये सारे कीवर्ड पे, आपको आसानी से वर्क करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स ना बहुत ही फायदे वाले कीवर्ड्स है और बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करेगी कीवर्ड्स, ठीक है। आपको ये सब कीवर्ड को अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप लोग एक कीवर्ड अगर रैंक कर जाती है, ये सब कीवर्ड आपका रैंक कर जाती है, तो दोस्तों आप कितना अच्छा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिटेड यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक। तो आपको आसानी से ये सब कीवर्ड को आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको ये सब कीवर्ड पे बिल्कुल वर्क करना है दोस्तों, बिल्कुल वर्क करना है, ठीक है आप लोग, ठीक है अगर न्यू है तो। उसके बाद व्यू ऑल में यहाँ पे जाते हैं, सारा यहाँ पे आपको डिटेल बता देते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो आप देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे, आप आसानी से देख लो जो कीवर्ड है और क्या है, सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे सब एक यहाँ पे 100 का 150 का भी यहाँ पे ट्रैफिक है ना, यहाँ पे अगर 50 भी मिलता है तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा कीवर्ड्स है सब, ठीक है। आप लोग समझते नहीं हो, ये कीवर्ड्स का फंडा समझो, ठीक है। कीवर्ड्स बहुत इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कीवर्ड कैसे फाइंड करना है आपको, ठीक है, क्योंकि मेन खेल तो कीवर्ड का ही होता है, ठीक है। कौन सी कीवर्ड पे आपको वर्क करना चाहिए, कौन सी कीवर्ड पे आपको वर्क नहीं करना चाहिए, ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कीवर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड आपको जो यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो लास्ट कीवर्ड हमारा होगा, वह देख सकते हैं PMF BY, जो कि यहाँ पे एक कीवर्ड्स आपको जिनका सरकारी योजना का वेबसाइट है ना, उस कीवर्ड पे यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक आपको मिल सकता है और अच्छा खासा यहाँ पे आप कमा सकते हो ये सब ट्रैफिक, ये सब कीवर्ड को रैंक करवा के दोस्तों, ठीक। वॉल्यूम देख सकते हो और CPC देख सकते हो, बाकी इजी तो है ही रैंक करना, आप देख लो। और यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे देखो आप लोग जो कि अच्छा है यहाँ पे आप रैंक कर सकते हो,
आराम से रैंक कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब ट्यूटर रैंक है तो देखिए ये सब वेबसाइट कब रैंक होती है, ये सब वेबसाइट का रैंक होने का फंडा यह है, आप लोग यहाँ पे जब उनके पास कंटेंट नहीं होता है, कंटेंट की कमी होती है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कंटेंट नहीं होते गूगल के पास, तभी ये सब कीवर्ड को वहाँ ये सब वेबसाइट को रैंक करवाता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें अभी कंटेंट की कमी है और जो कि गूगल को नहीं लगता कि हाँ ये अच्छा खासा यहाँ पे कीवर्ड्स है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ी तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड तो पूरी जानकारी दे देता हूँ, हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो सारी कीवर्ड्स हमारा टोटल कीवर्ड है वह 895 कीवर्ड है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो PMI पोर्टल लॉगिन 2019 के जगह 2020 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो सारी कीवर्ड्स है ये सब कीवर्ड पे अगर एटलीस्ट अगर वर्क करते हो आप लोग तो अच्छा खासा आपको ट्रैफिक यहाँ पे आप लोग आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को आपको अच्छा खासा जनरेट आपको ट्रैफिक आपको अच्छा खासा मिलेगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आपको वर्क करना चाहिए आसानी से, आपको ये सब कीवर्ड पे कभी भी यहाँ पे झुकना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कीवर्ड का वीडियो जो कीवर्ड्स के रिलेटेड वीडियो था आपको पसंद आई होगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो हैं तो आप हमें बता दो कि आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप लोग हमें यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे आप लोगों को आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे ट्रिक्स वाली वीडियो आपको देखने को मिलती है दोस्तों। आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।